इतने बड़े बड़े नेता यहाँ पे हुए हैं, आदेश गुप्ता रहा, राजकुमार आनंद रहा, तभी बोला इस चीज के लिए। आज अगर 10 मिनट के लिए खड़ा है, 10 मिनट के लिए खड़ा है तो लेट हो गया। पहले मेरी बात, सारे बंदे लेट हो रहे हैं इस टाइम। भाई लेट हो रहा मानता हूँ, उसका रीजन भी तो परेशान हो। समस्या हो गया आज दो महीने से हमें इतना दिक्कत का सामना करना पड़ता है। डेली सवेरे बच्चों को लेकर स्कूल जाने में प्रॉब्लम, आने जाने में प्रॉब्लम, और आज नर्क की जिंदगी इस बाबा फरीदपुरी के सभी लोग झेल रहे हैं। जो यहाँ की है उसके बावजूद भी ये हाल है। आप देख रहे होंगे कैसे आ रही है ये पाइप, देखिए ये जनता को लॉलीपॉप दिया जा रहा है बाबा फरीदपुरी के लोगों को। बताइए इससे क्या होगा। एमसीडी वाले घर घर में जाके चलान करते हैं कि पानी जमा होगा तो चलान कर देंगे। यहाँ पे 1.5 महीने से पानी गिरा, इससे डेंगू नहीं फैलेगा, बीमारी नहीं फैलेगी। भी तो चलाए सहली ओबराय जी को बोले कि आपका चलान कैसे कटा जाए बताओ। लेकिन जो यहाँ पर डेंगू मलेरिया और ना जाने कितनी कितनी बीमारियां जो है इस गंदे पानी से फैलती है, लेकिन इसका चलान करने के लिए कोई नहीं आएगा। सारे जीटे यहाँ तक आते, पूरा मंदिर गंदा हो जाता है। सारे गंदे पैर कर बहुत ज्यादा परेशानी है। परेशानी आ रही है? हाँ जी परेशानी आ रही है, परेशानी आ रही आ रही है। बच्चे परेशान है स्कूल के लिए, गटर बहती रहती है, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, दुनिया भर की परेशानी है, बच्चे घर बैठ गए हैं। ऐसे बच्चे सुबह सुबह गरीब बच्चे बेचारे कैसे जाएंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे मिडिल क्लास लोग बसती हैं यहाँ के ऊपर। ऐसे इस्तीफा दे देना चाहिए ऐसे निगम पार्षदों को। कहीं कुछ नहीं हुआ है और डेली स्कूलों में हमें सुनना पड़ता है, पेरेंट्स हैं हम बच्चों के, टीचर कहते हैं आप कैसे लेट हो गए। अब हम उनको कैसे बताएं, उनको बताएं हमारे यहाँ सीवर बह रहा है, लोगों का घरों का जो सीवर है वो इस तरीके से ऊपर से पाइप आ रही है और नीचे जो है वो टट्टियां बह रही हैं। अगर यही चीज अगर नेताओं के घरों के आगे जाए या उनके घरों के पास में से गुजर जाए। ले आओ भैया, इधर आओ, निकालो निकालो निकालो, ये रोज की हालत है इसी तरीके की। आप देख सकते हैं ये कैमरे के अंदर में कैद है पूरा, ये 1 महीने से चल रहा है। चलो जी चलो। अरे इतने बड़े बड़े नेता यहाँ पे हुए हैं, आदेश गुप्ता रहा, राजकुमार आनंद रहा, सहली ओबराय यहाँ बैठी हुई है, मिला कर रही है खुद। क्या आंखों के अंधे हैं क्या, दिखाई नहीं देता क्या, कुछ दिखता है करोड़ों रुपए कमा लिया, क्या फर्क पड़ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS न्यूज 48 दिल्ली। इस समय मैं पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर में हूँ और पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र का मैं यूं कहूँ ये नरकीय जगह, इसको नरकीय जगह बोल सकते हैं। और ये देन किसकी है, इस समय जो भी राजनीति करने वाले जो लोग हैं मैं उनकी भी बात कह सकता हूँ, जो लोग इस समय पहले भी थे मैं उनकी भी बात कहता हूँ। उन्होंने भी अभी तक कोई भी ऐसा कार्य सही तरीके से नहीं किया कि आज इसकी स्थिति जो है वो सही हो। स्थितियां कहां पर बिगड़ रही हैं, दिल्ली के अंदर में आम आदमी पार्टी की जो है वो सरकार है। आम आदमी पार्टी की जो सरकार होने के बावजूद सबसे बड़ी बात आज ये निकल करके आ रही है कि जिस विधानसभा में मैं खड़ा हूँ यहाँ पर विधायक राजकुमार आनंद जी जो थे अब मैं ये बोल रहा हूँ, और अब वो यहाँ पर नहीं है विधायक जी, उन्होंने पद छोड़ दिया अपना। उसके बावजूद अब आम आदमी पार्टी के अंदर में निगम जो पार्षद हैं वो चारों वार्ड के अंदर में आम आदमी पार्टी के हैं, चाहे वो 85 नंबर का हो, चाहे वो 86 हो, 87 हो और 88। और सबसे बड़ी बात इससे भी कि 86 नंबर वार्ड से जो दिल्ली की आम आदमी पार्टी की जो मेयर हैं डॉक्टर शैली ओबराय जी, यहाँ से जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से तकरीबन 400 कदम की दूरी पर उनका निवास स्थान है, और उसके बावजूद भी जो पटेल नगर में वो रहते हैं और पटेल नगर के अंदर में ऐसी व्यवस्थाएं जो मेरे पीछे आप लोगों को देखने को मिल रही हैं ये शायद नर्क से कम नहीं। बाबा फरीदपुरी का ये वो जगह है जहाँ से एंट्री एक पॉइंट है, लोग अपने अपने घरों में जाते हैं, लोग यहाँ से निकल करके आनंद पर्वत या यूं कहूँ दिल्ली के तमाम क्षेत्रों में जा सकते हैं। ये वो मेन सड़क है और इस मेन सड़क के अंदर में लोग तो यहाँ पर कह रहे हैं कि 1.5 महीने से ऐसी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं ये 1.5 महीने से व्यवस्थाएं नहीं, ये तकरीबन सालों से लगातार इसी तरीके की व्यवस्थाएं जो हैं ये दिल्ली सरकार के अंदर में आज ये देखने को मिल रही है। अब मैं बात अगर कहूं कि ये यहाँ की पटेल नगर के अंदर में चाहे आप बलजीत नगर में चले जाइए, प्रेम नगर में चले जाइए या नेहरू नगर में चले जाइए, चाहे सब्जी मंडी प्रेम नगर में आप चले जाइए,
यहाँ की जो सारी व्यवस्थाएं हैं ये सब दिल्ली सरकार के इस समय अंडर में, चाहे वो जल बोर्ड में हो चाहे वो एमसीडी के अंदर में हो। अगर ये एमसीडी के अंदर आती है तो और जल बोर्ड के अंदर में आता है और ऐसी स्थितियाँ अगर देखने को मिलती है और जिस तरीके से लोगों को ये प्रभावित नहीं, जिस तरीके से यहाँ से बच्चे गुजरते हैं, जब स्कूली बच्चे जब गुजरते हैं, आज नहीं गुजर रहे क्योंकि दिल्ली सरकार ने आज जो है वो छुट्टी दे दी है क्योंकि रेड अलर्ट कर दिया है कि शायद बारिश जो है वो ज़्यादा हो जाए, इसलिए आज छुट्टी, आज यहाँ पर बच्चे नहीं दिख रहे होंगे, स्टूडेंट नहीं दिखेंगे, लेकिन यहाँ पर काम पर आने जाने वाले ये बैटरी रिक्शे के द्वारा या यूं कहूँ पैदल से या व्हीकल के द्वारा यहीं से निकलते हैं। लेकिन व्हीकल के लिए रास्ता कितना है, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर सीवर टूटा पड़ा है, जहां मैं खड़ा हूं वहां पर सीवर टूटा पड़ा हुआ है, उसके आगे ये बल्ली लगी पड़ी है क्योंकि अगर वहां से अगर कोई व्हीकल निकलता है तो उसके साथ में घटना या दुर्घटना हो सकती है। आखिर में इसकी जिम्मेदारियां कौन लेगा? अब ये सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि दिल्ली की मेयर यहीं पर चंद कदमों की दूरी पर उनका निवास स्थान है, लेकिन फिर भी यहां पर किसी तरीके का कोई विकास कार्य नहीं। राजकुमार आनंद के जब वो कार्य में थे, राजकुमार आनंद जी जब विधायक थे तो इसी सड़क को तकरीबन 1.5 से 2 साल तक इसको ऐसे ही खंडर बना के रख दिया गया, लेकिन फरीदपुरी की जनता के लिए या यूं कहूं पटेल नगर की जनता के लिए कोई भी ऐसा विश्वसनीय कार्य नहीं किया गया जिससे जनता संतुष्ट हो सके। अभी जो आगामी जो अब चुनाव होने वाले हैं वो होंगे विधानसभा के चुनाव, विधानसभा चुनाव के अंदर में राजनीति करने वाले लोग वोट तो मांगने आएंगे, लेकिन वोट मांगने आने के बाद में अगर उनको इसी तरीके की परिस्थितियां मिलती हैं तो आखिर में वो विधायक फिर किस काम का, अगर वो फिर भी इसे ठीक ना करा पाया तो। यहाँ से तकरीबन से 4 से या 5 सीवर ऐसे होंगे जो लगातार भर रहे हैं, लेकिन उसको सफाई करने वाला या यूं कहूँ तकनीक तो बहुत सारी हैं, बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पे आ सकती है, इतनी जगह है यहाँ पर कि मशीनें लग करके इनकी सफाई भी हो सकती है और खुदाई करके नया सीवर भी डल सकता है, लेकिन नया सीवर तक डालने तक का इस सरकार के पास में बजट नहीं है। आखिर में वो बजट कहाँ गया जिस बजट को पास किया गया, चाहे वो जल बोर्ड के लिए हो चाहे वो एमसीडी के लिए हो, लेकिन फिर भी अभी तक इनके लिए कोई बजट नहीं, क्योंकि स्लम कॉलोनियों के लिए इन राजनेताओं के पास या यूं कहूं इन सरकारों के पास में कोई बजट नहीं होता। क्यों नहीं होता? सिर्फ वो वोट लेना जानती हैं और अपने घरों में बैठ करके सिर्फ आराम करना जानती हैं, लेकिन निकल करके इनकी परेशानियां देखना नहीं जानती। यही सबसे बड़ा कारण है। जिस दिन उन लोगों ने जमीनी स्तर पर उतर करके काम करना चालू कर दिया तो शायद मेरे बाबा फरीदपुरी के अंदर में, पटेल नगर के अंदर में, जिस जगह के हम खुद एक निवासी हैं, लेकिन हमने लगातार यहाँ की वीडियो कई बार चलाई, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ के चाहे वो निगम पार्षद हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, लेकिन उनके कानों पर जू तक नहीं रेंगती। तमाम यहाँ पर वो जनता यहाँ पर मौजूद है सिर्फ ये इसीलिए कि इनकी परेशानियाँ जो हैं वो आए दिन लगातार हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर सुनवाई करने वाला कोई निगम पार्षद नहीं आता, कोई सांसद नहीं आता, या यूं कहूँ आम आदमी पार्टी का, उनके सरकार का कोई ऐसा नुमाइंदा नहीं आता जो यहाँ की जानकारी उस तक पहुँच सके या वो यहाँ पर आकर के जानकारी ले ले। चमचे तो बहुत हैं उनके, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन क्या वो चमचे जब निकल करके आते हैं, जब चुनावी मुद्दा होता है तब वो लोग निकल करके आते हैं, लेकिन आखिर में ऐसा क्यों और कब तक? ये सबसे बड़ा आप सवाल पैदा होता है कि आखिर में हमारे समाज के अंदर में जिस तरीके से ये परेशानियां, देखो लोगों को यहाँ पर निकलने के लिए परेशानी हो रही है। यहाँ पर इतने दिनों से यहाँ पर परेशानियाँ थी, लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिपोर्टिंग करते समय इस भाई को ज़्यादा दिक्कत हो रही है। भाई इतने समय से परेशान है, मेरी बात सुन भाई, इतने समय से तू परेशान है, कभी बोला इस चीज़ के लिए? आज अगर 10 मिनट के लिए खड़ा है तो लेट हो गया, पूरे बच्चे ये सभी नौकरी छोड़ करके बैठे हैं, तो 30 दिन समय से यहाँ पे लोग परेशान। मैं आपसे कह रहा हूँ और 30 दिन से कहाँ सो रहे थे भाई मेरे? यहाँ से जितनी वीडियो हमारी रही है ना, नहीं आप 30 दिन से सो क्यों रहे हो? 30 दिन से बुरा हाल हो रहा है यहाँ पे। हम सोते नहीं है, हम हमेशा जागे हुए हैं। अब बोलो, अरे तो मैं ये कह रहा हूँ सारे बंदे लेट हो रहे हैं इस टाइम। अब मानता हूँ उसका रीजन, उस समय भी तो परेशान हो, उस समय भी तो परेशान हो, रोड जाम होगा तभी लोगों को पता लगेगा, तभी उन नेताओं को
पता लगेगा कि आखिर में रोड जाम जब हो रहा है ना, तब इन लोगों को पता लगेगा कि आखिर में रोड जाम करने का और ये जिस तरीके से इन लोगों की व्यवस्थाएं हैं, ये सब इनका कसूर नहीं है। मैं इनका मानता हूं कि इनका कसूर नहीं है, लेकिन आज अगर ये रोड जाम नहीं हुआ तो शायद उन नेताओं के कान के ऊपर में जून नहीं रेंगेगा। यह सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। लोगों के साथ में जुड़ते हैं इनकी पूरी समस्याओं को लेकर के बाबा फरीदपुरी की ये जनता जो लगातार कई वर्षों से परेशान चल रही है, इनके अंदर में अब यूं कहूं कि जो मतलब खलबली मची हुई थी कि आखिर में ये सही कब होगा, और आज हम लोग वीडियो एक बार फिर से दोबारा एक बार इस वीडियो को रिलीज कर रहे हैं। वो सिर्फ इसीलिए रिलीज कर रहे हैं कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों तक ये हमारी बात पहुंच जाए और इसका जल्द से जल्द जो है कोई रास्ता निकाला जाए। अगर इसका रास्ता नहीं निकलता है तो आखिर में ऐसे इंजीनियर और भ्रष्ट नेता, इनके खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इनकी जांच हो। जो इनका भ्रष्टाचार है वो सामने साफ दिख रहा है कि इन लोगों ने किस तरीके से भ्रष्टाचार कर रखा है। अगर मैं इसको भ्रष्टाचार नहीं कहूँगा तो आखिर में कहूँगा क्या? जो पैसा इन लोगों को फंड मिलता है, जो फंड रिलीज किया जाता है, आखिर में वो फंड कहाँ जाता है? ये इनसे सवाल पूछा जाए। और जनता से भी मैं कहूँगा कि इस वीडियो इसके कमेंट के अंदर में जरूर आप लोग सवाल पूछिए, ताकि आप लोग जब तक नहीं जागेंगे तब तक ये नेता जो है इनको नहीं जगा पाएंगे। ये सामने दिखाइए, ये पूरा भ्रष्टाचारी है। ये अगर ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? ये सीवर है, ये सीवर है, ये सीवर इस तरीके से रहता है क्या? ये पता नहीं कौन सा इंजीनियर आता है और इस सीवर के अंदर में एक पाइप तो लगा देते हैं पानी का, लेकिन यहाँ पर एक नई सीवर की लाइन नहीं डलती है। आखिर में क्यों नहीं डलती है? ये सबसे बड़ा अपने आप में सवाल पैदा होगा। क्या इन लोगों के पास में क्या फंड नहीं होता? अगर फंड है तो आखिर में उसको रिलीज क्यों करके जनता के लिए क्यों नहीं लगाया जाता? इसीलिए इन्हीं सवालों के साथ में एक बार हम लोग जनता के साथ में जुड़ेंगे और जनता की क्या होगी मांग, मैं उन लोगों से कहूँगा जो जनप्रतिनिधि हैं, ताकि इस बात को वो लोग सुने और उनको भी समझ में आए कि हमारी जो जनता, जिनसे हम वोट मांगने के लिए पैदल चल के उनके घर में जो हाथ जोड़ करके जाते हैं, उनका पैर पकड़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी जनता किस तरीके से त्राही त्राही करती है, ये अब सबसे बड़ा अपने आप में एक सवाल पैदा होता है। हमारे साथ में खरवार जी हैं। खरवार जी, क्या कब से ये पूरी समस्या चल रही है? ये समस्या आज 1.5 से 2 साल हो गया और ये समस्या हो गया आज दो महीने से हमें इतना दिक्कत का सामना करना पड़ता है। डेली सवेरे बच्चों को लेकर स्कूल जाने में प्रॉब्लम, आने जाने में प्रॉब्लम, और आज ये नर्क की जिंदगी इस बाबा फरीदपुरी के सभी लोग झेल रहे हैं। और इतनी नर्क की जिंदगी और सबसे भ्रष्ट यहाँ की सरकार है, सबसे नरक सरकार है, और जो कि आज इसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। जनप्रतिनिधि भी और सभी लोग दौड़ रहे हैं निगम पार्षद के पास। कोई बड़ी बात तो सबसे बड़ी बात है पटेल नगर के अंदर दिल्ली की मेयर जो यहाँ की है, उसके बावजूद भी ये हाल है। आप देख रहे होंगे कैसे आ रहे जा रहे हैं। आज ये अंदर बिल्कुल आग लगी पड़ी है, इस चीज को झेलते हुए आज 1.5-2 महीने हो गए। बताइए हम लोग क्या करें? कोई बीमार पड़ जाए, कोई बुजुर्ग बीमार पड़ जाए, आए दिन यहाँ लोग गिरते हैं, आए दिन बाइक से गिरते हैं, रिक्शा गिरता है, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सुनवाई नहीं है भाई साहब, कोई सुनवाई नहीं है महोदय। क्या कह रहे हैं? जब तक यहाँ बंदा नहीं मरा है तब तक सुधरेगा नहीं लेन। ये मैं आपको बताऊं, देखिए बाबूजी ने एक बात बिल्कुल सही कही है। अभी आप लोगों ने देखा साउथ पटेल नगर के अंदर में पानी भरा हुआ था। एक यूपीएससी की जो परीक्षा, जो सिविल की परीक्षा जो अपनी देने वाले ऐसे स्टूडेंट जो सिविल की अपनी पढ़ाई कर रहे थे, वो करंट लगने की वजह से साउथ पटेल नगर के अंदर में जल भराव होने की वजह से करंट लग गया। ये जनता को अब आप बताइए दिया गया ये पाइप लगा के, ये दिखाइए ये पाइप, देखिए ये जनता को लॉलीपॉप दिया जा रहा है बाबा फरीदपुरी के लोगों को। बताइए इससे क्या होगा? ये पाइप से पानी इसमें आ रहा है, अभी भी पानी बह रहा है। कैसे दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है हमें पता है, हम डेली झेल रहे हैं, यहाँ के लोग सारे झेल रहे हैं। अच्छा, यहाँ लोगों को बोलने पे सारे झगड़ा करने को तैयार हैं। एमसीडी वाले घर घर में जाके चलान करते हैं कि पानी जमा होगा तो चलान कर देंगे। यहाँ पे 1.5 महीने से पानी गिरा, इससे डेंगू नहीं फैलेगा, बीमारी नहीं फैलेगी। ये भी तो चलान इनका कटना चाहिए, तो एमसीडी चलान कौन कटेगा? इनका इनका पब्लिक को कटना चाहिए। पब्लिक जाए और एमसीडी के दफ्तर में चाहे शैली ओबराय जी को बोले कि आपका चलान कैसे कटा जाए, बताओ। हमारे घरों में अगर गमले में थोड़ा बहुत पानी हो जाए इकट्ठे, उसमें कोई मच्छर पैदा हो, उसके लिए चलान करने आ जाएंगे?
लेकिन ये देखिए दो महीने से काटने के लिए कोई सब देख रहे हैं। ये साफ भ्रष्टाचार ही नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। गरीब जनता के घर पे 400-500 रुपए का उनका चालान काट देते हैं। आप जाइए और रोहिणी के अंदर में जाकर के इसको जमा कर दीजिए, पहले तो वो घर के अंदर। लेकिन जो यहाँ पर डेंगू मलेरिया और ना जाने कितनी कितनी बीमारियां जो है इस गंदे पानी से फैलती है, लेकिन इसका चालान करने के लिए कोई नहीं आएगा। आखिर में वो भ्रष्ट सरकार नहीं तो आखिर में है क्या इनके ऊपर? धरने पे बैठे हैं, जिनकी सरकार है वो खुद धरने पे बैठे हैं। धरने पे चोरे सारे, अब बताइए एक दूसरे पे इल्जाम लगाओ और क्या रह गया? इल्जाम लगा करके काम चल, बस यही चल रहा। जनता को बेवकूफ बन रहे हैं, जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, बेवकूफ बना रहे बेवकूफ जनता बनाया नहीं जा रहा है। ये बात आई है, मच्छर कैसे नहीं होंगे? फ्री कूलर जब चलाता बंदा तो मच्छर नहीं होंगे? ये बताओ कितना गंदा पानी आ रहा है यहाँ पे, ये बताइए। पानी भी तो घर में गंदा गंदा। ये मंदिर, ये देखिए सामने मंदिर के सामने, ये सामने मंदिर है, ये मंदिर के सामने। एक बारी मैं कहूंगा कैमरामैन से, ये सामने हनुमान मंदिर है बाबा फरीदपुरी का। मैं एक बारी बीच में से जा रहा हूँ। पंडित जी क्या लगता है आपको कि ऐसे मंदिर के अंदर इस तरीके से लोग आएंगे? अरे कीचड़ यहाँ तक आते हैं, सारे कीड़े यहाँ तक आते हैं, पूरा मंदिर गंदा हो जाता है। सारे वहाँ गंदे पैर करके आना पड़ता है यहाँ। कितनी शर्म की बात है सरकार, बहुत शर्म की बात है जी। सुनवाई नहीं हो रही कहीं, दो महीने से ये गंदा हुआ पड़ा है। दो महीने से लगातार चल रहा है यहाँ पर, आपस में तीन महीने हो गया जी, तीन महीने लगातार हो गया। कोई भी ये देखिए, तमाम जनता जो है यहाँ पर मौजूद है सिर्फ इसीलिए कि इन लोगों को परेशानी हो रही है। ये इतने समय से लोग यहाँ पर परेशान हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि सवाल जो है सरकार से नहीं करें तो किससे करें? गाड़ी चलाते हो? हाँ जी चलाता हूँ। क्या परेशानी आ रही है? बहुत ज्यादा परेशानी है। परेशानी आ रही है? हाँ जी परेशानी आ रही है। बच्चे परेशान है स्कूल के लिए, गटर बहती रहती है, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, दुनिया भर की परेशानी है। बच्चे घर बैठ गए हैं और कोई भी यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही। सिर्फ ये पाइप लगा दिए जाम तो लगा ही है। बेवकूफ बना दिया जाता है, लोगों को लॉलीपॉप दे दिया जाता है और कुछ नहीं, सिवाय इसके अलावा कुछ नहीं। मैं सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि आखिर में ये सरकारें अब लॉलीपॉप कब तक देंगी? ये वीडियो जो है वहाँ तक पहुँचा दिया जाए दिल्ली सरकार के, और यहाँ तक कि जो भारत के तमाम राज्य है जहाँ तक ये आम आदमी पार्टी सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, उनको दिखाया जाए कि ये दिल्ली की हालत करने वाले यही आम आदमी पार्टी है। आप लोग बच करके रहिए, नहीं तो आपके यहाँ पर भी यही हाल होने वाला है। ये सामने देखिए, सामने दिखाइए, वो सीवर देखिए, कैमरामैन से कहूँगा जरा सामने दिखाएं। ये देखिए, यहाँ पर रिक्शे पलट जाते हैं, लोग जो है वो गिर जाते हैं। सामने मंदिर है, यहाँ पर लोग किस तरीके से जाते हैं इसी गंदे पानी से होते हुए। ये यहाँ की हालत है, बता रहा हूँ, ये यहाँ की हालत है। ये देखिए, दिखाइए इधर की हालत जरा, ये चारों तरफ दुकान है। लोग किस तरीके से निकल करके जाएंगे? क्या ये बीच में से जाएंगे या बाहर से जाएंगे? ये देखिए, हमारे पानी सप्लाई, ये देखिए, ये दिखाइए इस खड्डे को जरा, ये बोरिंग है। और अगर ये बोरिंग का पानी अगर इस तरीके से यहाँ पे गंदा पानी भरा है तो लोगों के पास में पीने का पानी किस तरीके से जाएगा? कैसे पानी, समझिए आप, घरों के अंदर में पानी देने का। ये देखिए इधर, इधर देखिए आप, ये सामने देखिए लोग किस तरीके से आ रहे हैं। लोग परेशान हैं। अगर यहाँ पर किसी ने भी गलती से अपनी गाड़ी या टायर अगला चक्का चढ़ाया तो शायद वो गिर भी जाएगा और हॉस्पिटल भी पहुंच जाएगा और उसके हाथ पैर के अंदर में कहीं ना कहीं जो है वो प्लास्टर भी चढ़ जाएगा। आखिर में ये भ्रष्ट सरकारें जिस तरीके से काम कर रही है, हाँ, कितने लोग यहाँ पर अब तक गिर चुके हैं? यहाँ रोज आना कोई ना कोई गिरता ही है, यहाँ से जो यहाँ से जाएगा कोई, हाँ, जो भी यहाँ से जाता है गिरता ही है, क्योंकि सड़क की वो सही नहीं है, टूटी फूटी है, एक साल से ऊपर हो गया। आते हैं देख के चले जाते हैं, बस वो कागजों में है, बस वैसे कोई नहीं है। क्या कहेंगे भाई साहब ऐसी सरकारों को? भाई साहब सरकार तो बिल्कुल निकम्मी है, क्योंकि यहाँ का काम होना चाहिए। ये जो रोड का हाल है, मेरा इसी रोड पे सामने दुकान है, आज 10 दिन हो गया मेरे घर में 1 रुपये नहीं गया है, हमारा दुकान ही सहारा है। अगर उसको, अगर हमारा दुकान ही बंद है इस रोड पे, इस नरक में कौन आएगा? मेरा खाने पीने का काम है, पानी भरा हुआ है और आपके यहाँ पे जाने की जगह नहीं है। अरे जाने की जगह पूरी टट्टी बहती है सामने से, कोई कस्टमर कैसे आएगा? खाने पीने की चीज है इनके यहाँ पे। और बताइए कि लोग किस तरीके से निकल करके इनकी दुकान पर जाएंगे? जो निगम पार्षद है, एक यहाँ का निगम पार्षद है कविता चौहान, आज तक उसने विजिट तक नहीं करी है, तो ऐसे निगम पार्षद की जरूरत क्या है? 85 नंबर वार्ड में पड़ता है ये निगम पार्षद का, कविता चौहान नाम है। और जो पूर्व विधायक जो रह चुके हैं हजारी लाल चौहान, उनकी जो धर्म पत्नी है वो
तो इतना गंदा यहाँ पे कर रखा है। मैं चाहता हूँ ऐसे ऐसे आप वालों को इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे ऐसे बंदे कहाँ स्कूल में इतना परेशानी होती है, सुबह 8 बजे आके देखो बच्चे स्कूल में जा नहीं पाते हैं। ऐसे बच्चे सुबह सुबह गरीब बच्चे बेचारे कैसे जाएंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे मिडिल क्लास लोग बसती हैं यहाँ के ऊपर। ऐसे इस्तीफा दे देना चाहिए ऐसे निगम पार्षदों को। एक बार भी विजिट नहीं करी है ऐसे कविता चौहान ने। ऐसे निगम पार्षद बेकार है, डफर है बिल्कुल। मैं तो ये कह रहा हूँ उस निगम पार्षद को हटा देना चाहिए। अभी कल जो है वो बड़े अधिकारी भी यहाँ पर आए थे, बड़े अधिकारी भी आए थे, महिला भी है, कल बड़े अधिकारी भी यहाँ पर। कल मैं इधर नहीं था, करे आए लॉलीपॉप दे के चले गए, कुछ भी नहीं करे। वो आए हैं बस दिखावा, मशीन लगाए हैं, दिखावा करें ये लॉलीपॉप लगा के, और आए MCD वाले, आए जल बोर्ड वाले, आए लॉलीपॉप दे के गए, कहीं कुछ नहीं हुआ है। और डेली स्कूलों में हमें सुनना पड़ता है, पेरेंट्स हैं हम बच्चों के, टीचर कहते हैं आप कैसे लेट हो गए। अब हम उनको कैसे बताएं, उनको बताएं हमारे यहाँ सीवर बह रहा है, कह रहे और कोई जगह नहीं है, उनको क्या पता ये मिडिल क्लास है, यहाँ लोकल कॉलोनी है। अब हमें डेली टीचरों से डेली बातें सुनने को मिलती है, तो बताइए हम क्या करें। आगे कोई सुनवाई नहीं है, कोई नहीं सुन रहा है, निगम पार्षद तक नहीं सुन रहा है। रिक्शा पलटा है, कल मेरे सामने रिक्शा पलटा है, परसों रिक्शा पलटा सुनने में आया मेरे कि परसों भी रिक्शा पलटा है। रोज रिक्शे पलट रहे हैं यहाँ पे। MCD के दफ्तर में जाओ, कहते फंड नहीं आ रहा, हमारे पास लेबर नहीं है। अरे लेबर नहीं है तो धर्मशाला बंद करो अपनी, क्यों चूतिया बना रहे लोगों को। पुलिस वाले एक रद्दी रोड भी हेल्प नहीं करते, अगर वो वहीं पे स्टॉप कर दे तो पुलिस वालों का भी हक बनता है कि पुलिस चौकी जो बनी है वहाँ पे करे, वहाँ पर पुलिस चौकी कुछ नहीं करती है। दे आर स्टैंडिंग ओवर द, चार पांच बंदे वहीं खड़े रहेंगे पर नोबडी स्टैंड अप, ये कुछ नहीं करेंगे, देखेंगे ओनली ओनली पर देखना देखना बस सिर्फ देखना। आप आइए एक बारी मैं कैमरा मैन से कहूँगा, जरा आप आइएगा ध्यान से आइएगा। ये रुक जाओ भाई रुक जा, चल निकाल आ जाओ इधर आ जाओ, इधर की फोटो लो ये। बबलू इधर आना, सभी आदमी चलिए। ये पाइप जा रहा है यहाँ की फोटो लो ये कहाँ चालू करो ये घर में जाए जब समझ में आएगा। ये इधर से बबलू भाई इधर से बनाओ ऊपर का पूरा दिखाओ, बेस देखो भैया जल्दी आ जाओ इधर दिखाओ। ये पानी जा रहा है, ये आप देख सकते हैं लोगों का घरों का जो सीवर है वो इस तरीके से ऊपर से पाइप आ रही है और नीचे जो है वो टट्टियां बह रही हैं। अगर यही चीज अगर नेताओं के घरों के आगे जाए या उनके घरों के पास में से गुजर जाए तो शायद उस व्यक्ति की जो है वो पाइपलाइन तुड़वा दी जाएगी। और अब इन जनता के पास में ये सब चीजें जा रही है और जनता इसको सह रही है लगातार कई वर्षों से, अब आखिर में कौन इसका जिम्मेदार होगा। जनता कोई नहीं सुनता, देख रहे कितना नरक भरा पड़ा है, ना हमें मीठा मिलता ना फीका मिलता, कोई पानी नहीं मिलता, हमें ये गंद मिलता है। ये जो कोठी वाली हरामी लोग है ना, जो आते हैं हाथ जोड़ कर नमस्कार करने, जो टेम होता तभी आते, उससे पहले कभी देखने नहीं आते गरीब आदमी डूब रहे या मर रहे। आम आदमी पार्टी को आप ही लोगों ने तो लेकर जाए थे। अरे वो तो कमीने वैसे निकल चुके भाई, कुछ भी तो दे हमारे को, हम तो ऐसे नरक में डूबे पड़े हैं। वो हरामी यहाँ के बस कभी उम्मीद थी कि ऐसी ऐसा काम करेगी आम आदमी? नहीं कभी नहीं थी, कभी भी नहीं थी भाई, बहुत अच्छा काम करके दिया। बोला बीच में क्या घपला किया ये नहीं पता। अभी इस लाइन को डाले हुए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है साल भर, ये हाल है। और ये हाल है कि अभी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया है। बिल्कुल हम जाते हैं ना तो वो कहते हैं जल बोर्ड का काम है, वो दूसरे कहते हैं MCD वाले का काम है, बस इसी इसमें हम चक्कर लगा रहे हैं, इसमें आपको घुमाते रहेंगे। और कहीं ना कहीं कहा है हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास फंड कहाँ, फंड कहाँ गया फंड। मेरा मानना है जिनकी वजह से ये परेशानी है उनकी एक एक दो दो दिन की सैलरी काट के फंड इकट्ठा किया जाए। MCD वालों की जो सैलरी है, बहुत अच्छी बात बोली आपने, सैलरी के दो दिन की सैलरी काटी जाए और उसके ये काम कराया जाए। उन्होंने ऐसा काम क्यों कराया कि 6 महीने में पाइपलाइन टूटी है, जब वो फंड कर रहे हैं ऐसे इकट्ठा करें ना फंड। फंड सही बात है कि इन लोगों की ना सैलरियां काटी जाए। और जो डॉक्टर सैली ओबराय जी जो दिल्ली की मेयर बैठी हुई है ना, MCD के अंदर में जितना पैसा बटोर पा रही है ना वो सारा बटोर करके उन्होंने रख लिया, करोड़ों रुपए का उन्होंने फंड अपना बना लिया होगा, लेकिन यहाँ पर फंड लगाने के लिए पैसा नहीं है उनके पास में। आम आदमी पार्टी के पास में पैसा नहीं है, खुला बोल रहा हूँ FIR करो, चाहे मुझे जेल भिजवा दो लेकिन बोलूंगा मैं सच,
जो जनता के हक में होगा। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब, अगर फंड गया कहाँ? अब सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि आखिर में फंड कहाँ गया, और फंड ये पूरे एरिया के हिसाब से मिलता है तो आखिर में फंड जाता है, और इस तरीके का भ्रष्टाचार में अगर फंड खत्म हो जाए तो आखिर में वो फंड किस काम का जो फंड आप लोगों ने लेकर के अपनी जेब भरी है। यहाँ कर्मचारी भी नहीं है उनके पास काम करने के लिए, किसी चीज के नहीं, कभी इधर भगा रहे कभी उधर भगा रहे, समझ नहीं आता। ये लोग तो ये कहते हैं कि हमें जो है वो पड़ता, इनको फर्क पड़े तो हमारे छोटे छोटे बच्चे इतना इतना घरों में पानी भर रहा, उनको रोएंगे कम भक्तों को, क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे, पीछे जाकर देखो क्या गंद मचा हुआ, गरीब यही इकलौता रास्ता है, और ये रास्ता बहुत जगह जाता है, राजस्थान कॉलोनी जाता है, आनंद पर्वत जाता है, नेहरू नगर जाता है, और दिल्ली के तमाम राज्य तमाम जगह पर चला जाए, ये रास्ता शॉर्टकट पड़ता है, इसलिए ये रास्ता बहुत जरूरी भी है। उसके बाद भी इस रास्ते की कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। हम लोगों के पास एक होता रास्ता है, एक ही रास्ता है, या तो होता दो तीन रास्ते तो हम निकल जाते। एसएचओ का क्या बता रहे, एसएचओ तक इस जाम में फंस गए, एसएचओ साहब जब जा रहे थे तो फंस गए जाम में, और फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता इस बात का, तभी भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर में ऐसे लोग जिस तरीके से भ्रष्ट में अगर भ्रष्ट होते चले जाएंगे तो आखिर में जनता की अब सुनेगा कौन, जनता की अब सुनेगा कौन, ये सबसे बड़ा अब सवाल पैदा हो रहा है फिर एक बारी कि आखिर में। ये देखिए लोग जो है इस समय डॉक्टर शैली ओबराय जी के यहाँ पे घर पे जाने की हम लोग तैयारी करते हैं, उनसे सवाल पूछना चाहेंगे कि आखिर में ये कब तक सही होगा, और ये जवाब चाहती है जनता की आखिर में फंड अगर आपके पास में नहीं है तो जो फंड पास हुआ है वो फंड आपका गया कहाँ। 200 मीटर की दूरी पे शैली ओबराय का ऑफिस है, हम सब वहीं चलते हैं, आप चलो हमारे साथ, बिल्कुल हम चलते हैं, वो चलने का तैयार है, चलिए हम लोग, बच्चे बीमार पड़ेंगे उसका जिम्मेदार कौन है, रोक दो, पड़ रहे हैं बच्चे डेली यहाँ से गंद से निकल के जा रहे हैं, ये पानी है यही घरों में आता है, गंदा पानी आता है, यही हो इसी से बीमार पड़ रहे हैं, इनकी ले लो ऐसे पूरा बोरिंग का पानी जो है वो एकदम